तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन कंपनी के जॉब्स के बारे में जो कि आपका तीनों ही जॉब वर्क फ्रॉम होम जॉब्स है। तो अगर आपको जानना है कि यहाँ पे किन जॉब्स के लिए ओपनिंग आई है और यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अप्लाई कैसे करना है, सैलरी यहाँ पे क्या रहेगा और कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो वीडियो को पूरा देखिए, चेष्टा करते हैं। सबसे पहली जॉब है आपका, वो है मीशो कंपनी का और ये आपका फुल्ली रिमोट जॉब है, यानी कि वर्क फ्रॉम होम जॉब है, घर से ही काम करना है। जॉब प्रोफाइल है आपका सिटी लीड का। अब देखो मीशो कंपनी के बारे में तो आपको पता ही होगा, बात करते हैं कि आपको इस जॉब में वर्क क्या करना है। तो सिटी लीड का काम ये होता है कि जो भी सिटी सप्लायर्स हैं उनके बिजनेस को स्केल अप करना। देखो नीचे आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, स्केल 10x सप्लायर इक्वेशन ऑफ रिस्पेक्टिव सिटी और सिटीज, राइट। स्केल मीशो पेनिट्रेशन इनटू रिस्पेक्टिव सप्लाई हब्स, मेंटर, मोटिवेट एंड प्रोवाइड डायरेक्शन टू ए टीम ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव ऑन मीशो वैल्यू एंड प्रिंसिपल अक्रॉस योर टीम। यानी आपको बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव टीम को मेंटर करना होगा, मोटिवेट करना होगा, उनको राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करना होगा, ये सब यहाँ पे आपका काम है। आगे देखो यहाँ पे दिया है, वर्क विथ सेंट्रल टीम टू इंश्योर बेस्ट सिलेक्शन। आपको सेंट्रल टीम के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि आप बेस्ट सिलेक्शन कर सको, अफोर्डेबल प्राइस आप सेट कर सको, तो ये सब यहाँ पे वर्क होगा आपका। नीचे आप दिया है, कोलेबरेट विथ रीजनल मैनेजर ऑन गेटिंग 10x अचीवमेंट ऑन टारगेट असाइन। अब देखो रीजनल मैनेजर के साथ आपको कोलेबरेट करना होगा ताकि आप 10 टाइम टारगेट अचीव कर पाओ, तो ये सब यहाँ पे आपका वर्क होने वाला है। देखो नीचे आप रिक्वायरमेंट दिया है, एनी ग्रेजुएट और MBA विथ 3 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टू सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, सप्लायर एक्वेशन इन टू ई कॉमर्स। अब देखो अगर आप ग्रेजुएट इसको अप्लाई कर सकते हो, MBA आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हो, 3 to 5 years आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस विथ स्टार्टअप एंड फास्ट पेस्ट इन्वायरमेंट इन एडेड एडवांटेज, एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टू एनालाइज डाटा एंड बिल्ड POV। अब देखो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि आप डाटा को एनालाइज कर पाओ, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एंड कस्टमर, एक्सलेंट वर्बल एंड कम्युनिकेशन स्किल, आपको बिजनेस एंड कस्टमर के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अप्लाई करने के लिए आपको जाना है टॉप पे और यहाँ क्लिक करना है अप्लाई फॉर दिस जॉब। यहाँ आप क्लिक करोगे तो ये पेज यहाँ ओपन होगा, यहाँ पे आपको अपना रिज्यूम अपलोड करना है और यहाँ पे फुल नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, करंट लोकेशन, करंट कंपनी, जिस भी कंपनी आप काम कर रहे हो यहाँ पे आप इंटर करोगे। नीचे यहाँ पे लिंक्डइन का URL ऐड करना है, अगर है तो नहीं है तो कोई बात नहीं है, इन सबको आप स्किप कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे कोई स्टार नहीं लगा है। आगे यहाँ पे सिटी लीड का दिया है कि हाउ मेनी एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस आपके पास है, और यहाँ पे करंट कंपनसेशन और एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ऐड करना है, फिर यहाँ पे करंट लोकेशन, नोटिस पीरियड का यहाँ पे दिया है और फिर यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगा है, अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो और फिर आपको यहाँ क्लिक करके सबमिट कर देना है, राइट। तो ऐसे इस जॉब को अप्लाई करना है। अब देखो बात करते हैं सैलरी का, तो यहाँ पे आपकी सैलरी होगी 41,000 पर मंथ, राइट। तो ये आपको फर्स्ट जॉब के बारे में जो कि आपका वर्क फ्रॉम होम जॉब था। अब बात करते हैं सेकेंड जॉब के बारे में जो कि आपका है अमेजन कंपनी की तरफ से और ये जॉब है आपका इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट का। ये भी आपका रिमोट जॉब है, घर से काम करना है, कहीं पे जाकर वर्क नहीं करना है। अब देखिए इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट का वर्क क्या होता है, आपको एक्सटर्नल कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना होगा फोन के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, और जो भी इशू होता है उसको आपको समझना होगा, उसको सॉल्व करना होगा, स्टेक होल्डर के साथ आपको कम्युनिकेट करना होता है और जो भी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होता है उसको समझना होता है, एनालाइज करना होता है ताकि आप बेटर बिजनेस दे सको कंपनी को, तो यही वर्क होता है इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट का। अब देखो नीचे यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिया है, एक्सलेंट रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश एंड एबिलिटी टू कंपोज ए ग्रामेटिकली करेक्ट, कॉन्साइज एंड एक्यूरेट रिटन रिस्पॉन्स। आपकी रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, एक्सलेंट इंटरपर्सनल स्किल, एबिलिटी टू कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शनल इशू करेक्टली एंड क्लियरली टू बूथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो ही मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि आपको कम्युनिकेट करना होगा एक्सटर्नल और इंटरनल कस्टमर से ताकि जो भी ट्रांजेक्शनल इशू होता है उसको आप रिजॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे स्किल रिक्वायर्ड है, डिमॉन्स्ट्रेट एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आपको इंडिपेंडेंटली वर्क करना आना चाहिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए, और बाकी नीचे यहाँ पे कुछ प्रेफर्ड स्किल मांगा है, अगर आप में ये सब है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। नीचे आप दिया है 2 consecutive days आपका ऑफ होगा, 5 days आपका वर्किंग होगा। बात करते हैं क्वालिफिकेशन का, तो अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम से इसको अप्लाई कर सकते हो, फ्रेशर यहाँ पे एलिजिबल है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपकी सैलरी होगी 4.25 lakh पर एनम। तो अगर आपको इस जॉब को अप्लाई करना है तो आपको सिंपली इस फॉर्म को फिल करना होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा है, हाउ डू यू फाइंड आउट अबाउट दिस जॉब, कैसे आप इस जॉब को फाइंड किए, तो यहाँ पे आपको अदर पे क्लिक कर देना है, ठीक है।
फिर यहाँ पे आप YouTube ऐड कर देना, फिर नीचे यहाँ पे पर्सनल डिटेल मांगा है, अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, DOB यहाँ पे आपको इंटर करना है, जेंडर, फिर यहाँ पे सिटीजनशिप, इंडिया को होता है आप यहाँ से इंडिया इंटर कर देना, ठीक है। डिसेबिलिटी यहाँ पे अगर है तो ऐड कर देना है, और यहाँ पे एड्रेस वगैरह आपको ऐड करना है, जो भी आपका एड्रेस होगा, सिटी, करंट स्टेट, पिन कोड वगैरह। यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन ऐड करना है, हाईएस्ट डिग्री, ईयर ऑफ पासिंग, एजुकेशन टाइप, फिर नीचे यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है। अगर आप फ्रेशर हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे जीरो ऐड कर देना है या फिर फ्रेशर लिख देना। फिर नीचे यहाँ पे अदर डिटेल मांगा है तो आप इसको भी फिल कर लेना, ठीक है। और सब कुछ फिल करके आपको सिंपली यहाँ पे अपना CV अपलोड करना है। यहाँ पे क्लिक करके एक फोटो आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आपको जाना है नीचे और यहाँ से क्लिक करके सबमिट कर देना है। तो ये आपको हो गया अमेजन कंपनी की जॉब के बारे में, जो कि आपका रिमोट जॉब था, घर से काम करना था। अब बात करते हैं थर्ड कंपनी की जॉब के बारे में, जो कि आपका है SBI लाइफ की तरफ से, और ये भी आपका घर से करना है काम, कहीं पर जाकर वर्क नहीं करना है। इंश्योरेंस एडवाइजर की जॉब है आपका। जो लोग इंश्योरेंस लेना चाहते हैं उनकी जो भी क्वेरी होता है उस क्वेरी को आपको रिजॉल्व करना होगा, सॉल्व करना होगा और उन्हें गाइड करना, ये सब यहाँ पे आपका काम होने वाला है। यहाँ पे देखो दिया है हुई लाइफ मित्र, यहाँ पे दिया है SBI लाइफ मित्र इज कमिटेड टू रिकमेंड लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेसिस कस्टमर नीड्स, यानी कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग उनको इंश्योरेंस रिकमेंड करना है। तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, और नीचे यहाँ पर दिया है कैसे आपको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर चार स्टेप दिया है, पहला आपको अपना इन्फॉर्मेशन फिल करना होता है, सेकंड स्टेप में दिया है SBI लाइफ टीम विल कनेक्ट फॉर डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। थर्ड स्टेप पे आता है अंडरगो 25 आवर ट्रेनिंग, फिर 25 आवर्स की ट्रेनिंग होती है, इसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा कि आपको वर्क क्या करना है, कैसे लोगों को हेल्प करना है, उनको गाइड करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सब कुछ इसमें सिखाया जाता है। और फोर्थ स्टेप में आपका दिया है टेक द एग्जाम एंड ज्वाइन एज द लाइफ मित्र, और फिर आपको एग्जाम देना होता है, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप यहाँ पर ज्वाइन कर लोगे वर्क करने के लिए, ठीक है। कम से कम 18 ईयर्स होना चाहिए आपका एज, और 10th पास हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो नीचे आप पे FAQs दिया है, अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप यहाँ से क्वेश्चन आंसर देख सकते हो आप। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, हाउसवाइफ के लिए और स्टूडेंट के लिए बेहतर है, जितना आप काम करोगे उतना आप यहाँ से अर्निंग कर सकोगे, राइट। यहाँ पे कोई फिक्स सैलरी नहीं होता है, बट फिर भी आप महीने का अप्रॉक्स 25 से 30 हज़ार अर्निंग कर सकते हो। तो यही सब यहाँ पे है, अगर आपको अप्लाई करना है, ज्वाइन करना है तो आपको सिंपली जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पिन कोड सब कुछ फिल करके आप यहाँ से प्रोसीड कर सकते हो। और फिर सारे स्टेप आपको पूरा करना होगा, डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करना होगा, फिर ट्रेनिंग लेना होगा, तब जाके आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो बस यही सभी जॉब्स के बारे में मुझे आपको इस वीडियो में बताया था। मैं आपको इन तीनों जॉब्स का लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ ऑल अर्निंग के तरीके और वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के बारे में। तो अगर आपको इस तरह का वीडियो देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।